जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भाई रब बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। कैमरे पर भूत, कैमरे पे प्रेत और ऐसी कितनी कहानियां जिनका कोई सर पैर नहीं होता है, टीवी पे दिखाया जाता है। मैंने भी बहुत सारी अघोरियों पे रिकॉर्डिंग देखी है जिसमें कोई अंग्रेज़ है, वह अघोरी से शिक्षा ले जाता है और अघोरी जो है देसी शराब पी करके उसके ऊपर पेशाब करने लगता है, या अघोरी बैठा हुआ है श्मशान में चिता से मांस खा रहा है, कोई बैठ करके अपनी माँ की छाती पे मंत्र जाप कर रहा है। तो मूलभूत रूप से मीडिया के सामने जो इंटरैक्शन हुआ है आज तक अघोरियों का, उसमें मीडिया अघोरियों को मजाक समझती है, उनको TRP समझती है, लोग इनसे डरते हैं तो इनको देखते हैं। सिनेमा में जो भूतों की कहानी होती है ना, जो पिक्चर होता है, वो चाहे फ्लॉप भी कर जाए लेकिन वो पैसे कमा लेता है क्योंकि लोग उसको देखते हैं। वो टीवी पे 200 बार आए तो 200 बार भी लोग उसको देखते हैं। ऐसे ही मनोभाव लेकर के भारत का एक बहुत ही प्रमुख चैनल, उसके रिपोर्टर और कैमरामैन एक अघोरी के पास पहुंचे। ये स्थान महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर पड़ता है, इसको भिलाड़ बोलते हैं। भिलाड़ का अघोरियों में विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ एक नदी बहती है और इस नदी के दोनों तरफ अननेचुरल चट्टान है पूरा। और ये जो चट्टान है, आप शुरुआत में इसको नोटिस करो ना करो, बाद में जब आपको समझ में आएगा तो ये चट्टान अघोरियों के ऊपर रखा हुआ है। तो कहते हैं कि जो मसान होता है अघोरियों का, उसमें अघोरी शरीर तजने के बाद भी बैठे रहते हैं, वो अंदर हवन करते रहे, वो चेतन होते हैं। तो उस जगह पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर बोलने का परमिशन नहीं होता है, आंखों के इशारे से बात होता है। ये सारी चीज़ें मैंने देख रखी थी, लेकिन ये कथा जब हुआ था तब मैं वहाँ नहीं था। तो इन लोगों ने उनको पकड़ लिया, बोला कि आप कुछ तो आज रात में दिखाओ मुझे। अब ये लोग जानते थे, ये समझते थे कि होना जाना कुछ नहीं है, और बहुत सारे कुत्तों के रोने की आवाज़, बहुत सारा ग्राफिक के साथ खेल करके उनको 1 घंटे की TRP मिल जानी है। तो ये एक पत्रकार थे, दो उनके हेल्पर थे और एक कैमरामैन था। तो कैमरामैन थोड़ा अपचेष्ट था, वो बात-बात पे मजाक उड़ाता था कि बाबा आज तो वहाँ पे मसान में नोच के हम मांस खाएंगे ना, हमें भी खिलाओगे ना, दारू का ब्रांड कौन सा है, ठीक है। और जो अघोरी महाराज थे वो बड़े कम बोलने वाले, वो ज़्यादा बोलते नहीं, वो बस मुस्कुराते रहते थे, उनके चेले चपाटे थे। अब उनको लग रहा था भाई कितना बड़ा बात है, कैमरा वैमरा आया है, तो वो तो अभी सिद्ध नहीं थे तो उनको एक्साइटमेंट था, वो इन लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। नहीं, अघोरी महाराज बिल्कुल शांत थे, उनको कोई अंतर नहीं पड़ रहा था ये कितना भी उनको चिढ़ा रहा था। कुछ देर बाद उनके साथ एक और साधक आए, वो भी अघोरी थे और कपालिक साधक थे। तो तैयारी पूरी हुई, खोपड़ियाँ निकली, पूरा इन लोगों ने शूट किया। इन लोगों को लगा हाँ आज तो मसाला हमारे पास पूरा है। और रात में 11 बजे ये जो अघोरी की कुटिया था, इससे ये लोग धीरे धीरे उस मसान के पास, उस नदी के पास पहुंचने लगे और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ये शूटिंग करवा रहे थे। इन्हें लग रहा था कि अब किसी ना किसी तरीके से तो शॉट उठाना है। तो जब आप उस श्मशान में जाओगे ना, तो खेतों के बाद एक झाड़ है, मतलब उसको आप जंगल के शुरुआत में जैसा झाड़ होता है वो झाड़ है, और उससे आपको नीचे उतर के नदी में जाना होता है।
नदी के दोनों तरफ श्मशान है, मतलब जलाने वाला नहीं, उसमें गाड़ा हुआ है। तो बड़े बड़े चट्टान हर जगह पे रखे हुए हैं, उससे समझ में आता है कि यहाँ एक है यहाँ दो है ऐसा। और जब आप नदी के दूसरे तरफ देखोगे तो वहाँ से जंगल शुरू है, और ठीक इस स्थान से सामने देखने पर करीब 20 से 25 फुट पर झरना है जहाँ से ये पानी गिरता है, ठीक है, और उसके नीचे में ये साधना स्थल बना हुआ। तो बड़ा मनोरम दृश्य है। और उस रात्रि में पूर्णिमा थी, ऐसे तो लोग जानते हैं कि अघोरी अमावस्या को पूजा करते हैं, लेकिन पूर्णिमा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये सेट करके आए थे पूर्णिमा के दिन, और बहुत अच्छा वहाँ पे शूटिंग चल रहा था। तो अघोरी ने दिशा बंधन किया, एक लकीर खींची, उसके बाद बोला अब इसके बाहर कोई नहीं जाएगा। तो इस पे भी जो कैमरामैन था वो अपनी ठिठोलिया कर रहा था कि देखो अब डराना शुरू हो गया है, अब ये सोचेंगे कि हम डर जाएंगे। अघोरी महाराज कुछ बोले नहीं, उन्होंने अपनी क्रिया शुरू की। इशारों में बात चल रहा था, ये बीच बीच में बोलता था, इसको गुर्राते भी थे। उसके बाद उन्होंने कपाल उठाया, और पहले कपाल में थोड़ा सा कारण दिया, कारण ग्रहण किया, उसके बाद कपाल को सर पे रख लिया। जब कपाल को सर पे रखा तो एक एक करके कपाल से चूहे के बच्चे निकलने लगे, गिरने लगे नीचे। तो वो निकलते थे और उसको वापस वो हवन में डाल देते थे, ठीक है। तो कैमरामैन ने बोला ये सेटिंग है, ये पहले से इन लोगों ने कुछ ऐसा चिपका विपका के रखा होगा, भी सर पे उल्टा रखा है तो गिर रहा होगा। खैर अंतर नहीं पड़ता, स्केप्टिकल है दुनिया, तो जहाँ पे उनको डाउट हो रहा था वहाँ हो रहा था। लेकिन जैसे ये प्रक्रिया ख़त्म हुई, उनके शब्दों में बहुत तरफ से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। कहीं से किसी औरत के चीखने की आवाज़ आ रही है, कहीं से किसी बच्चे के चीखने की आवाज़ आ रही है, कहीं से किसी वृद्धा के चीखने की आवाज़ आ रही है, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, रोने की आवाज़ आ रही है, और ज़ोर ज़ोर से ये आवाज़ें आ रही थी। मतलब ऐसी आवाज़ें कि उनको कोई साउंड इफेक्ट ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। दहल गए ये लोग, और वहाँ पर ये कैमरा टीम पहली बार डरी कि लगता है यहाँ पर कुछ सीरियस होने वाला है। फिर और थोड़ा समय बीता, अब लोग डरने लगे थे। जिस तरीके से हवन आगे बढ़ रहा था, जिस तरीके से पूरा माहौल बदल रहा था, ठीक है, हवन होते होते अचानक अग्नि शांत हो जाए तो अंधकार छा जाए, फिर अग्नि प्रज्वलित हो, अघोरी महाराज दोनों कारण ले करके और उसके बाद मस्त थे, और उनके भाव से ऐसा पता चल रहा था कि हाँ, मतलब जिस कार्य के लिए वो आए थे वो कार्य पूरा हो गया है। और धीरे धीरे ये जो आवाज़ें थीं ये दूर से इनके पास आते गई। अब क्या था कि कैमरा टीम पूरा एक जगह इकट्ठा होकर अघोरी महाराज से सट के बैठ गया। उन्हें अब डर लगने लगा था कि यहाँ कोई ना कोई शक्ति आ पहुंची है, और जो कैमरामैन था वो वहां से भागने की अब चेष्टा करने लगा। आज तक जैसे आम जनमानस भी अघोरियों के बारे में क्या सोचता है, यही सोचता है कि अब रहते हैं गंदे संदे, रहते हैं मसान में, रहते हैं चिता खाते हैं, और कुछ करते नहीं हैं, लोगों को गाली देते हैं, श्राप देते हैं। और जो कैमरामैन होता है ना, ये एक इंडियन मानसिकता है, ये भारतीयों की मानसिकता है कि अगर कोई मीडिया वाला आ जाए और अगर कोई अंग्रेज़ आ जाए तो उनको लगता है कि भगवान आ गए, ठीक है, और जो बिजनेसमैन टाइप के अघोरी हो वो तो मीडिया के पीछे भागते हैं। वो आते हैं तो उनको लगता है कि क्या नहीं करके दिखा दे, है ना। हमने देखा था अभी एक चैनल में, वो जो गुप्त एक कपाल होता है, जो मैंने बोला था कि आप उसको ढक के रखते हैं अघोरी, वो किसी को दिखाया नहीं जाता है, तो उसको कैमरे के सामने खोल के उसको पूरा सिगरेट विगरेट पिला रहे थे कि लोग देखे कि मैं ऐसा सिद्ध हूँ और लोग मेरे पास आए। खैर ये अलग बात है,
ये दूसरे कैटेगरी के अघोरी थे जो कि सच में सिद्ध थे और इनको कोई अंतर नहीं पड़ता था कि लोग इनके पास आए या ना आए। लेकिन क्योंकि ऐसी पूरी स्थिति हो गई थी, ऐसा एक अविश्वास का माहौल था कि इन लोगों ने साधना शुरू कर दी थी और अब ये शांत थे। वातावरण में पूरा जो है रोने का आवाज गुंजायमान था। अब समझो कि उस रात में, पूर्णिमा की रात है, जंगल के बीच में नदी के बगल में इतना सुंदर माहौल और अचानक उसमें चारों तरफ से चित्कार की आवाजें, ऐसा उन लोगों के साथ हुआ। उसके बाद उस कैमरामैन ने अघोरी महाराज को बोला कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ कुछ कवर करने के लायक नहीं है, इसलिए हम लोगों को आप आज्ञा दीजिए। लेकिन विषय ये था कि वो लोग अब डर गए थे और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो अघोरी महाराज मुस्काए और इशारा किया जहाँ से पानी गिर रहा था, मतलब वो एक हाइट था, वहाँ से पानी नीचे गिर रहा था। और इन लोगों ने जो भी कैमरा था, कैमरा उस तरफ पैन करके देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उधर से और आवाज़ें आ रही थी, कुछ कुछ आवाज़ आ रही थी, आवाज़ आ रही थी। अचानक एक वहाँ पर जानवर सा कुछ आया। तो उनके शब्दों में ये जानवर क्या था, ऐसा ऐसे किसी जानवर को उन्होंने न कभी सुना था न देखा था। वो ऐसा लग रहा था कि वो किसी चार पांच जानवर को मिला हुआ एक जीव है, क्योंकि वो जीव इस पृथ्वी का था ही नहीं, वो पराजीव था। उसका आवाहन इन अघोरियों ने किया था और बोला वो जो रुंधन की आवाज थी, वो जो रोने की आवाज थी, वो चित्कार की आवाज थी, वो उसने वहां खड़ा होकर के फिर से एक बार बहुत जोर से चित्कार किया। इतना देखने के बाद जो कैमरामैन, जो अभी तक एक अघोरी का इंतजार कर रहा था जो शराब पी के नाटक करे, वो बिल्कुल अवचेतना की हालत में चला गया। उसे लगा कि अब उसकी हृदय गति रुक जाएगी। ठीक है, तो फिर जो उसके साथ लोग थे, उसमें कुछ समर्पित लोग भी थे धर्म के प्रति, उन लोगों ने फिर माफी वाफी मांगा और उसके बाद इन लोगों ने पूरे कार्यक्रम को विराम दिया। अब ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करना है, इसको क्या दिखाएंगे, क्या बोल के दिखाएंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग राइट इन इंडिया तो बोलता है कि आप ऐसा कुछ नहीं दिखा सकते। अघोरी महाराज ने इनको बता दिया था कि आपके एक टेप में भी रिकॉर्डिंग नहीं होगा। और सही में ऐसा ही हुआ कि जितना ये लोग चले घूमे वो सब आया, लेकिन जो मुख्य समय था, जिस समय शक्तियों को इन लोगों को देखना था, जो रिकॉर्ड करना था, वो रील गायब थी। अच्छा, ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये घटना, ऐसी घटना मेरे साथ भी घटी थी जब कुलधरा में भूतों पे मैं रिसर्च कर रहा था। तो उस समय हम लोगों के जितने कैमरे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने घंटों रिकॉर्डिंग किया था, सारे के सारे कैमरे का सारा रील जो था वो क्लीन अप हो गया था। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन बाकी सारा वीडियो इनका इंटैक्ट था। सिर्फ जहां पर मेन विजुअल आया था, जहां पर वो एक पराजीव इन लोगों को उन अघोरियों ने दिखाया, वो पूर्ण रूप से विलुप्त हो गया था। ठीक है, इनकी ही एक कहानी है कि कुछ अविश्वासी लोग इनके साथ जुड़े हुए थे और उनको लगता था कि ये कुछ नाटक करते हैं, तो ये लोग उज्जैन में हवन कर रहे थे। ठीक है, और जो अघोरी महाराज थे वो एक लंगोट और एक चिमटा लेकर के पहुंचे मसान में हवन करने के लिए। तो इन्होंने वहां पे कौए की बलि दी, तो लोगों को बहुत खराब लगा कि क्या ये कौए की बलि क्यों दे रहे हैं। तो कुछ लोगों ने विरोध किया, इन्होंने कल कौए के बलि दिया, उसके बाद अपने चिमटे को उठाया और अपने ओर से नदी के तरफ, अगर आप लोग गए हैं किसी भी नदी के तीर पे जब आप हवन करेंगे, तो अपनी ओर से नदी की तरफ उन्होंने चिमटे को घुमाया, तो हजार, कहते हैं ऐसा, जो प्रत्यक्षदर्शी जो वहाँ के पंडित है वो बताते हैं कि हजारों कौवे आकर के उस नदी के ऊपर भ्रमण करने लगे थे। और भी बहुत सारी कहानियां हैं ऐसे अघोरियों की जिनके साथ
मिलना जिनके संपर्क में रहने से आपको समझ में आएगा कि शक्तियाँ सचमुच होती हैं और हम इस डायमेंशन के बाहर भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जिन्हें साधना का शुरुआती दौर सीखना है, जिनको आसन बंधन मंत्र सीखना है, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। जिनको डायरेक्ट बात करनी है वो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर प्ले स्टोर से। उसमें रुद्रनाथ@CM पर आप सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, इसमें आप मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी के लिए www.अघोरतंत्रस्य.com पर जाइए। उसमें मैंने कुछ कुछ लेख लिखना है, शुरू किया है, अब आप लोगों का आज भी माँ भगवती आप लोगों को सुरक्षित रखे, ऐसी मनोकामना है। आप सभी आदेश आदेश अलग आदेश।